आदित्य पंडित, तू मुझे मरवाएगा तो नहीं ना? ए दीपक, हाँ, तू मेरा ख्याल रखेगा ना? अरे यार तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। अरे नंबर वन, अब ये तेरा दोस्त नहीं है और मैं पंडित नहीं, ये है तेरा ड्राइवर और मैं हूँ तेरा सेक्रेटरी। अब जरा राजवाड़े की थाट बाट की तरह रहे, हाँ। ये बस स्टैंड के लफंगे की तरह उछल कूद मत कर, ये बात ठीक है। और मैंने जो एक्टिंग सिखाई है ना वही कर, आराम से बैठ पीछे चल। अरे अरे क्या हुआ? लगता है गाड़ी गर्म होने से बंद हो गई। अरे कैसी खटारा गाड़ी लाई यार, हैं? रास्ते में ही दम तोड़ दिया इसने। अरे रुको रुको रुको। अरे भाई तेरे पास 16-17 का पाना है क्या यार? मेरी गाड़ी बंद हो गई यार। भाई माफ करना, क्या है ना उधर चीफ इंजीनियर साहब साइट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। चीफ इंजीनियर कहाँ? उधर साइट पर जहाँ फैक्ट्री का काम चल रहा है ना, उधर। काहे की फैक्ट्री? सीमेंट फैक्ट्री, आपको मालूम नहीं साहब उधर बहुत बड़ा सीमेंट का फैक्ट्री बन रहा है। ओ। हाँ साहब। अच्छा चलता हूँ साहब, मुझे साहब को इंस्पेक्शन के लिए लेकर जाना है। अच्छा कौन हो तुम? खाना था क्या? आया हूँ। इस गांव में कोई होटल है? होटल बोतल, मैं दिन में तालाब नहीं पीता हूँ। अरे लगा यार इसके। इस गांव में कोई फाइव स्टार होटल है? धर्मताला नहीं है, फाइव स्टार होटल की क्या बात करते हैं। फिर कुंवर साहब रुकेंगे कहाँ? पहली बार इस गांव में पधारे हैं। तुवर साहब? ये तुवर साहब है? हाँ, एशिया के सबसे अमीर आदमी गजेंद्र प्रताप के बेटे महेंद्र प्रताप। तो फिर हमारे गांव में ये क्या कर रहे हैं? सीमेंट फैक्ट्री खोल रहे हैं, सीमेंट। सेक्रेटरी जब तुम ये जानते हो कि इस गांव में फाइव स्टार होटल नहीं है तो हमारे आने से पहले बना देते। सॉरी साहब। जाते वक्त गांव वालों को दान कर देते। मेली बांधी मालती के लिए कुंवर साहब आते रहेंगे। अब हम कहाँ रहेंगे? आप लोग मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर में। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम भिखारियों क्या रहेंगे। ये दूसरी बात है कि मैं तकलते भिखारी लगता हूँ, लेकिन वो अत्ते काते खानदान का बॉय। आप मेरे घर में चलेंगे, मैं एक नहीं सुनूंगा। आप अंकल, आप मेरे घर में रहेंगे, मेरे घर में। ड्राइवर साहब की जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, वो लंबी वाली गाड़ी आपकी है ना? मुताबला मुताबला चीजा। ड्राइवर के साथ बैठो चीजा। मुता बैठ जा। हाँ, गाड़ी चलाओ ड्राइवर। मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी टोपी भी सेक्सी, मेरा चश्मा भी सेक्सी। अरे कौन अंदर भिखारी मेरे घर में घुस रहा है? मेरे ताल पे मार खा गए ना। ये आवाज तो सुनी हुई लगती है। मैं हूँ आपका ताला, आधा गलवाला। गोवर्धन, तो क्या सर्कस में भर्ती हो गया क्या? ये सर्कस के कपड़े नहीं है, इम्पोर्टेड कपड़े हैं, मेड इन यूएसए। तो तेरे पास कहाँ से आए? दादी हमारे गाँव में सिंगापुर से तुअर साहब आए हुए हैं। दादी आपके बदन पे इतने बाल नहीं जितने उसके पास 100 से 9 है। ये तर्द, ये तत्मा, ये टोपी सब उसी ने मुझे दिया है। ये सुंगो सुंगो मुंह क्या बना लो संत है, ऐसी खतबू पहले कभी सूंगी है? जी दादी, मैं तो कहता हूँ कि उसे अपने दल का दामाद बना लेते हैं। जी दादी, बितिया रानी तो खुश होगी होगी। हो सकता है कि हमको भी कुछ छोटा मोटा देश खरीद के दे दे। देश खरीद के दे दे? तेरे बाप का राज है? अबे कोई बेईमान फ्रॉड 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। मिठाई लेकर आता हूँ। अबे ठहर जा यार। अरे ये निकल गया कान का, ये आला लगा लगा जल्दी। ये डाल दो अंदर। मैं ये कह रहा हूँ वो कोई 420 होगा जिसको तू कुंवर साहब समझ रहा है। दादी आप भी फालतू में सब पे शक करते रहते हैं। वो 420 नहीं है, 840 है। 840? 840 फैक्ट्रियों का मालिक, उसके नौकरों के पास इतना पैसा है जितना आपके पास नहीं है। ठीक है ठीक है, मगर तुझे कहां से मिल गया वो आदमी? ऐसे आदमी को रास्ते में पले हुए मिल जाते हैं, मैंने उसे अपने घर में डराया है। मगर वो आदमी अपने गांव में क्या कर रहा है? एक बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री बना रहा है। सीमेंट की फैक्ट्री? हाँ। क्या बात कर रहा है? तो मैं अभी कहां हूं? वो सीमेंट की फैक्ट्री की साइट देखने गया है जहाँ पर वो फैक्ट्री बनाएगा। दादी चल। तो ये है वो जगह। नंबर वन, होशियार चंद चौधरी को झांसे में लेने का बीज यही बोना पड़ेगा। दीपक तू एक काम कर, वो इंजीनियर है ना उसके पास जा और उसको पका पका मतलब उसको बोर कर। मैं आया तुझा, जल्दी जा। ए साहब
यहाँ कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? यहाँ शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं हो रही है, सर्वे का काम हो रहा है। चल बाजू हट। काय को मजाक करते साहब, एक तो कैमरा में से झांक रहे हो और ऊपर से बोलते शूटिंग नहीं हो रही है। अरे क्यों परेशान करता है यार, यहाँ सीमेंट फैक्ट्री का काम हो रहा है। क्यों साहब को तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है? चल भाग यहाँ से, भाग। ठीक है साहब, ये गाँव के लोग बड़े बेवकूफ और बकबकी है, किसी को काम ही नहीं करने देते। एक इंजीनियर तो इन गाँव वालों से तंग आकर कुएं में कूद पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम वहाँ बैठे हैं, अगर कोई आपको तंग करने आया हमारे पास भेज देना, हम संभालेंगे उसको। कूली तू है और सामान मुझे उठाना पड़ रहा है। सीधा खड़े रहे। खामोश, बकरा आ गया, चलो ठीक से बैठो। अरे कमाल का आदमी है। क्यों सर, ये क्या हो रहा है? अरे भाई मुझसे नहीं, हमारे साहब वहाँ बैठे हैं, उनसे जाकर पूछे। आप नहीं बताएंगे? जी नहीं। सेक्रेटरी। यस सर। देखो हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना जी, वो छोटा सा झाड़ है ना जी, वहाँ पर होगी। सर इंजीनियर साहब आपके हुक्म के मुताबिक ही काम कर रहा है सर। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना, वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है। और हमारा हेलीकॉप्टर, हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बनाओ, वहीं पर उतरेगा। और पिछली तरफ, पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? माल कहाँ उतरेगा? लेकिन सर उसके लिए परमिशन? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर ली है। वेरी गुड सर। साहब अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं गाँव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं सर, आप फिक्र मत करिए, मैं इन्हें देख लेता हूं। तुम काम करो, तुम इसको हमाली पर लगा दो। जी सर। अच्छा सुनो, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं अपनी AC BC DC कार में जाकर बैठता हूँ। ओके छतरी आता हूँ। क्या है? नहीं वो AC कार सुनी थी, BC DC कार बहुत बड़ी कार है क्या? अरे हमारे साहब के पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, तुम जाओ यार, तुम्हें अमल का काम दे देंगे। अरे फिर से घूम के इधर ही आता है, हे गुड्डा कहीं का। तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत रईस है, इससे तो मैं अपनी बेटी की शादी करा के रहूंगा। मैं इसके पैर पकड़ लूंगा, इसके घर में नौकरी करूंगा, कहूंगा ये अमीर इंसान मुझ गरीब इंसान की बेटी से शादी कर ले।